गोयला बटर चिकन। अगर आपके शहर में गोयला बटर चिकन लेकर आता है और अगर आप मेरे ऐसे फूड क्रिएटर हो गए तो क्या आप बटर चिकन पे वीडियो नहीं बनाओगे? तो मैं अभी जिम्मेदार नागरिक जैसा, एक फूड क्रिएटर जैसा बस वीडियो ही तो बना रहा हूँ यार, उसमें क्या ही मतलब, छोड़ जाए इतना कुछ नहीं बोलना। दाल मखनी, बटर चिकन, उसके बाद कुछ मलाई सीख कबाब है, ये इतना सारा ब्रेड्स है, भाई आज तो मजा आना ही है। मेरे को गोयला का एक चीज बहुत पसंद, साला कुछ भी लोग तो भर भर के सैलड्स और मिंट चटनी देते हैं, वाह गोयला वाह। पुदीना पत्ता और प्याज आपको बहुत सस्ता में मिल रहा है ना जियो। मैंने अपने शॉर्ट्स वाले कंटेंट में इनका बटर चिकन और बटर नान खा रखा और क्या सही लग रहा था यार। उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था वो यार कि बटर चिकन और बटर नान मकबैंग में तो खाना ही है। वो देखो भाई, क्रीमी क्रीमी बटरी बटरी, नेक्स्ट लेवल भाई साहब। जहाँ डालते भाई यार, चार पीस है ना भाई, हाँ 650 रुपए लिए है, थोड़ा सा भी ग्रेवी नहीं छोड़ेंगे भाई। 650 रुपए लिया है तो 6.5 सेंटीमीटर भी ग्रेवी नहीं छोड़ना। तो भाई ये है इनका बटर चिकन, एक मैंने टांग उठा कर रखा है तो तभी ना मजा आएगा यार, सच बताना मजा आएगा कि नहीं। ये है भाई दाल मखनी, 24/7 दाल मखनी, पता नहीं क्यों लिखे हैं, उनको लग रहा होगा जमशेदपुर वालों के पास बहुत पैसा, 24 घंटा दाल मखनी ही खाते रहते हैं। जो भी बोलो यार, इनका पैकेजिंग एकदम प्रीमियम है, एकदम प्रीमियम। ये भाई दाल मखनी अच्छा हो यार, तो बहुत पतला लग रहा है यार, सही में बहुत पतला है यार। ये देखो बिरयानी हाउस का दाल मखनी का कोई टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा है। ओ भाई, ये तो सूप है, दाल मखनी का सूप दिए हैं क्या? सर बताओ, ये दाल मखनी को देखकर विजुअली जो होता है ना एक्साइटमेंट, वो बिल्कुल ही हट चुका है यार। ये भाई ओल्ड दिल्ली मुर्ग मलाई सीख, देखते हैं पुरानी दिल्ली से नया जमशेदपुर में क्या आया है। भाई साहब नेक्स्ट लेवल कम है यार, चलो ऐसा लग रहा है दिवाली में फटाका दे रखे हैं। ये देखो भाई ऐसा है कुछ, इतना एक्सपोज दिख भी नहीं रहा, बक यार बक बक बक। सामने के साइड पूरा बिछा देता हूँ मलाई सीख कबाब को और देखते हैं कि मलाई वाला फील आ रहा है कि नहीं। इस सैलेड से थोड़ा सा प्याज चुराते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं यार। तो पता होता ना पुरानी दिल्ली का पुराना जिंदगी अगर ऐसा लगता कैमरे में तो मैं कभी मलाई वाला कुछ नहीं मंगाता। गार्लिक नान इनका 3 पीस पे आया है, 3 पीस। ये है भाई 2 ठो रुमाली रोटी, ये है इनका बटर नान, ओहो हो 3 पीस 3 पीस 3 पीस। ये है भैया होम मेड जीरा राइस, इसको यहाँ पर रखते हैं यार, बहुत मौज लग रहा है यार आज तो। ये बटर चिकन है यार, मतलब सच बताना कि क्या हैंडसम डैशिंग लग रहा है ये बटर चिकन, बिल्कुल मेरी तरह। और वैसे भी आजकल मैं क्या सही दिख रहा हूँ, खासकर अपने बालों की वजह से। और आप लोग वैसे बहुत मेरे बालों को लेकर पूछ रहे थे कि भाई आप अपने बालों को कैसे मेंटेन करते हो, हमेशा सेट और स्टाइलिश रहते हैं। इसके लिए मैं यूज करता हूँ ये मस्टैच का कोको वाला शैम्पू और मस्टैच का हेयर सीरम स्प्रे। ये कोको वाला शैम्पू कोकोनट और एलोवेरा से बनी हुई है, ये देखो इसमें आपको एलोवेरा के छोटे छोटे बीड्स भी दिखेंगे जो आपके डैंड्रफ के प्रॉब्लम को खत्म करेगा और हेयर फॉल होने से ही बचाएगा। और नहाने के बाद यूज करना है ये मस्टैच का कोको वाला हेयर सीरम स्प्रे, ये आपके बालों को शाइनी स्मूथ और स्टाइलिश रखेगा। इसको आप अपने बालों से 10 सेंटीमीटर दूर रखकर स्प्रे करना है, उसके बाद आप कंघिया हाथों से ही अपने बालों को सेट कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया और मैं इसे बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको जरूर ट्राई करना। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और कमेंट में भी पिन है। और हाँ, अभी तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन में सेल भी चालू है, आपको बहुत कम प्राइस में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो ये हो गई बालों की केयर, अब करते हैं भूख की केयर यार। पहले ट्राई करते हैं ये ओल्ड दिल्ली का मलाई सीख कबाब, देखते हैं भाई कैसा है। ओल्ड हो पुराना हो, जो टेस्ट है यार नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट लेवल है। मिंट चटनी को फाड़ा जाए यार, इतना सारा मिंट चटनी दे रखे हैं आपको, देखना ये देखो, छोड़ो ऊपर से दिखाऊंगा तो गिर जा रहा है। ये मलाई प्रॉपर लगा हुआ है इसमें, इसमें मिंट चटनी में डुबोते हैं। आज मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो इसलिए कि मेरे को मोती महल से कंपेयर करना है, क्या जमशेदपुर में मोती महल को ये टक्कर दे पाएगा गोयलास बटर चिकन। मतलब ये जो मलाई सीख कबाब है वो तो अलग लेवल पे टेस्टी हो रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल लग रहा है। वो पूरा डिप कर दिया जाए मिंट चटनी में, मेरे को नहीं पता कि क्या मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो हरी मिर्च है वो मलाई कबाब के साथ अलग लेवल पे जा रहा है। रुमाली रोटी से स्टार्ट करते हैं यार, रुमाली रोटी और बटर, उससे पहले दाल मखनी। हाँ क्या पता दाल मखनी सही में डिसअपॉइंट कर दो, दिक्कत हो जाएगा ना दोस्तों। भाई गाढ़ा नहीं यार दाल मखनी, 24/7 लिख के रखे है, ये 1/7 कोई ना खाए, मतलब टेस्ट करने के बाद मैं इसको बोलूंगा। भाई सच बताऊं तो मजा तो नहीं आ रहा है यार, शेट यार मेरे को लगा कि
बिरयानी हाउस का कोई टक्कर देने के लिए आया है, क्योंकि बात यह कि बिरयानी हाउस बंद हो गया है यार। क्यों यार, क्यों बिरयानी हाउस बंद हुआ अपने को समझ में नहीं आ रहा है। अब वैसा दाल मखनी पता नहीं अपने को कब मिलने वाला है। एक बार बटर नान के साथ ट्राई करके देखते हैं, दाल मखनी अगर थिक होता तो मजा आ जाता। बटर नान और दाल मखनी, जो भी बोलो यार, ये बटर नान बहुत टेस्टी है। ये बटर नान के साथ दाल मखनी का टेस्ट ही चेंज हो गया पूरा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत गजब लग रहा, बट रुमाली रोटी से तो बेटर लग रहा है। अब आते हैं बटर चिकन पे, क्योंकि दाल मखनी से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फेस हुआ है। अब ये बटर चिकन, बाप रे बाप, ग्रेवी तो गजब है यार। ये देखो भाई, ऐसा कुछ ग्रेवी है बटर चिकन में, मोती महल से पूरा अलग ग्रेवी है और दिखने में एकदम अलग है। भाई टेस्ट, टेक्सचर, जो इसका फ्लेवर आ रहा है एकदम ऑपोजिट है मोती महल से। ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उसके साथ। अरे यार, मोती महल वर्सेस गोयलास बटर चिकन तो हो सकता है। भाई इसमें स्मोकी फ्लेवर आ रहा, थोड़ा सा मसालेदार फ्लेवर आ रहा है। बटर चिकन से मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था यार। ये देखो, ये प्रॉपर तंदूर किया हुआ पीस है। मोती महल और ये बटर चिकन के बीच में देखते हैं कैसा सीन होता है। बटर नान के साथ ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि दाल मखनी का तो ये सीन ही पलट दिया था। अब देखते हैं बटर चिकन का क्या सीन बनाता है। मुझे लगता है इनके बटर नान में एक जादू सा है, किसी भी चीज को टेस्टी बना दे रहा है यार, गजब। ये है इनका गार्लिक नान, देखते हैं गार्लिक नान के साथ कैसा सीन जाता है बटर चिकन का। ये बटर चिकन एकदम यूनिक बटर चिकन है जो मैंने आज तक अपने लाइफ में खाया है। भाई गार्लिक नान के साथ भी मौज तो लग रहा है। गार्लिक नान और दाल मखनी, ये देखो भाई, दाल मखनी पूरा भरा हुआ अंदर से। ये बटर चिकन अपने में एकदम अलग है। चला, प्राइस भी बहुत अलग है। 650 रुपए का 4 पीस बटर चिकन दे रहा, क्यों इतना महंगा, क्यों गोयला इतना महंगा क्यों? चल, जमशेदपुर को ऐसे लूटा जा रहा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में यह प्राइस है, बताओ कमेंट करके यार। तुम लोग तो बताओ, जो लोग वीडियो देखते हो। ये मलाई सी कबाब और ये हरी मिर्च, रुमाली रोटी, ये मलाई सी कबाब कैसे निकालते हैं ये देखो भाई। ये देखो, इसको मिंट चटनी में ऐसे डिप करते हैं और खाते हैं। डाइट को भी साथ साथ पीते रहते हैं। वाह यार, जनरली मैं बटर चिकन के साथ राइस खाना प्रेफर नहीं करता हूँ। मैंने सोचा एक बार गोयला बटर चिकन है तो इसके साथ एक बार राइस ट्राई करके देखते हैं, क्या पता अच्छा लगे। और मेरा जो अनुमान है, मेरे को लग रहा है वो सही होने वाला है, क्योंकि ये प्रॉपर मीठा नहीं है बटर चिकन। गोयलास बटर चिकन, ये मैं मानता हूँ कि ये ओवर प्राइस तो है, क्योंकि क्वांटिटी उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं मिला है। ये दाल मखनी इतना ज्यादा पतला है कि
छोड़ो मैं बोल ही नहीं सकता, इतना पतला है कि थोड़ा बहुत रोटी चावल खाओगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा। बस क्वांटिटी को लेकर मेरे को थोड़ा सा सीन है, बात बाकी तो ठीक ही है। मोती महल वर्सेस गोयला होगा ना तो मौज होगा उस दिन। सबसे अच्छा लग रहा है बटर नान के साथ, मैं इनका बटर नान जरूर मंगाऊंगा यार। बटर चिकन अच्छा है बट क्या ये 650 के वर्थ द प्राइस है? मेरे हिसाब से तो नहीं। 650 रुपए में ये बटर चिकन के लिए तो नहीं पे करूंगा यार, क्योंकि 350-400 में अपने को मोती महल का इससे बेटर तो मैं नहीं बोलूंगा बट इससे अलग बटर चिकन मिलता है और वो सेटिस्फाइंग, मतलब सेटिस्फाइंग होता है यार। और दाल मखनी भी ये इतना ज्यादा पतला बना है, इतना ज्यादा पतला कि ऐसा लग रहा है कि इनको मन ही नहीं था। थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाओ यार दाल मखनी, वैसा होता है भाई, ऐसा क्या यार, मतलब ये बड़ा वाइट बनने वाला है तो बटर चिकन के साथ ही बनना चाहिए। ये देख, भाई चावल के साथ मेरे को ट्राई तो करने का मन कर रहा है बट रोटियां भी तो है। किसके साथ खाऊं, किसके साथ खाऊं, बटर चिकन दाल मखनी, छोड़ो बटर चिकन जीत गया। मेरे मकबैंक्स नेक्स्ट लेवल प्री शूट हो रहे हैं क्योंकि मैं 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक रहूंगा नहीं भाई, पूरा मौज करेंगे सौरभ भाई, इसलिए मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ शॉर्ट्स, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म सब में। ये लास्ट बटर नान गार्लिक नान तो साला खत्म भी हो गया यार, थोड़ा थोड़ा करके मेरे को ग्रेवी लेना पड़ रहा है क्योंकि ग्रेवी है ही नहीं। ये लास्ट वाइट है बटर नान और बटर चिकन का ग्रेवी का, एक रुमाली रोटी बाकी है, इसको तो मैं खाऊंगा ही बट ये सोच रहा हूँ कि अगर राइस मिला दूंगा तो खाऊंगा कैसे। अरे हाँ हाँ, ये मलाई कबाब है ना उसमें उड़ा दूंगा। तो अब राइस थोड़ा सा सियाना बना जाए, राइस के साथ सियाना बनाया जाए यार, देखते हैं कैसा लगता है भाई। देखते हैं राइस और बटर चिकन जो कॉम्बिनेशन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मोती महल के बटर चिकन के साथ, वो देखते हैं इसके बटर चिकन के साथ अच्छा लगता है कि नहीं। जीरा राइस और बटर चिकन, डिसेंट सा है बटर चिकन साथ जीरा राइस, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करता यार। नान जितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है ना, राइस बिल्कुल नहीं लगता। थोड़ा सा ग्रेवी और चिकन है जिसको मैं ये रुमाली रोटी के साथ ही खाऊंगा यार, दाल मखनी और राइस खाया जाए, शायद ये दाल मखनी के साथ में भी अच्छा लग सकता है ये जीरा राइस। और दाल मखनी को तो अच्छे से मिलाकर खाएंगे क्योंकि रुमाली रोटी के साथ दाल मखनी से अच्छा अब जीरा राइस के साथ दाल मखनी खा लो। पता नहीं यार बिरयानी हाउस क्यों बंद हो गया, मैंने इतना दाल मखनी खाया, इतना खाया कि शायद वो अब सर्व ही नहीं कर पा रहे होंगे, खत्म हो गया होगा दाल उनके पास तो उन्होंने बंद कर दिया। काश यार उनका अगर रेसिपी मिल जाता ना दाल मखनी का तो मजा आ जाता, दाल मखनी और जीरा राइस। सच बताऊं तो राइस दाल मखनी जीरा राइस है, दाल मखनी बटर चिकन ये सब के लिए होता ही नहीं है।
भाई राइस होता है, दाल तड़का, चिकन करी, मटन करी, ये सब के लिए भाई। आपने गोला बटर चिकन का, बटर चिकन और दाल मखनी खा रखा है, अगर आप अलग शहर से देख रहे हो, जमशेदपुर से देख रहे हो तो अलग बात है, अलग शहर से देख रहे हो तो बताओ क्या हर जगह ऐसे ही सर्व होता है या फिर को शहर शहर में डिपेंड करता है? ये देखो हाँ थोड़ा सा सैलेड निकालना तो बनता है मेरे दोस्त। ये रुमाली रोटी के साथ ही अच्छा लगेगा जी। अच्छा हो थोड़ा सा बटर चिकन का ग्रेवी बच गया, अजी मौज लेंगे। सीन ये ना कि बटर नान के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, और अगर रुमाली रोटी के साथ कोई अगर खाता है तो कोई इसको स्पेशली नहीं बोलेगा कि बटर चिकन के लिए आउटलेट ये बना है। ये मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा अपने घर वालों को टेस्ट करा दूँ, घर वालों के मम्मी है, मम्मी थोड़ा टेस्ट कर लेंगी, मैं थोड़ा थोड़ा ग्रेवी में डिप डिप करके खा लेता हूँ। हाँ दे, ये कबाब और रुमाली रोटी साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सीख कबाब को इतना स्मूथली बनाया गया है, ये इतना सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही पूरा घुल जा रहा है यार। हरी मिर्च टेस्ट एनहेंस करती है। आधा कबाब लेते हैं, अभी छत में टहलूंगा, उसके बाद लेट जाऊंगा। लास्ट ओ बाइटो, मिंट चटनी को भी पूरा एकदम सफा चट कर लिया जाए। ये भी खत्म, ये भी खत्म होने वाला है। ये भी खत्म रे भाई। जेन्युइनली यार आज मजा तो आया। वो दाल मखनी अगर अच्छा होता ना तो नेक्स्ट लेवल मील हो जाता। मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके शहर में गोइलास बटर चिकन कैसे सर्व करता है, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही कि थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखता है, जानना बहुत जरूरी है यार। प्लीज कमेंट करके बताओ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताओ यार अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी एक्सपीरियंस बताओ। वीडियो को हो सके तो शेयर करो सबके साथ, अपने फूडी दोस्तों के साथ, बटर चिकन लवर्स के साथ। ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जानी चाहिए। अपन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट तो वीडियो में, तब तक के लिए बाय।